एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ जो कि अल्लाह की आशिकी की गवाही है। जिसने मेरे को कई अरसा हो गया है, मैं तबलीग गांव में करता रहा नूराबाद में, और नूराबाद वालों को कहता रहा हूँ कि एक झूठ खत्म कर दो। उन्होंने कोई अमले दरामद नहीं किया है। फिर मैंने बोला है कि तुम दिल फिर मैंने उनको बोला है नीता साफ करो, कोई अमले दरामद ना हुआ है। फिर मैंने बोला अल्लाह देख रहा है, मौत का टाइम नहीं है। फिर कोई अमले दरामद नहीं हुआ है। फिर मैंने उनको बोला है कि दिल साफ करो, उन्होंने कोई अमले दरामद नहीं किया है। फिर मैंने उनको बोला सच्ची तोबा हजूर पाक की उम्मत के लिए है, वो जीने हो जब तक जिंदे हो सच्ची तोबा कर लो ताकि तुम लोग जन्नत के हकदार हो जाओ। ओ मुसलमानो, ओ जन्नत के हकदार तो मिलो, हजूर पाक को शर्मिंदा नहीं करना, हजूर पाक को शर्मिंदा नहीं करना, अल्लाह के आशिक को शर्मिंदा नहीं करना। और हम उनके आशिक बन गए हैं, रब्बी आशिक और अल्लाह की आशिक की आवाज मैंने निकाली है। तीन शख्स यहाँ मेरे पास थे, चौथा मैं था। यहाँ जब उनको मैंने ये आवाजें बताई हैं, मैंने बोला मेरे को किसी ने कुर्बानी दे लेनी है, किसी ने मेरी कुर्बानी लेनी है, पत्थरों के साथ, कुड़ियों के साथ, सुट्टू के साथ, आग लगा कर साथ, जिस तरह कुर्बानी मेरे से लेनी है, आजमाना किसी ने मेरे को आजमा सकता है। फिर यहाँ से वो उठ पड़े, चल पड़े आगे जंगल कहने में जाकर वो खड़े हो गए। मेरे को कह रहे तो लंबे पड़ जाओ, मैं लंबा पड़ गया हूँ। फिर बोलता है इस तरह नहीं, इस तरह लंबे पड़ो, मैं फिर उस तरह लंबा पड़ गया हूँ। फिर उन्होंने जिस वक्त मैं लंबा पड़ो तो नूराबाद का एक काली सैन है, उसने बोला मैं भी आशिक रसूल हूँ, मैं भी आशिक रब्बी हूँ, मैं भी साथ लंबा पढ़ूंगा। वो भी मेरे साथ लंबा पड़ गया है। उन्होंने कुड़ी का दस्ता मेरी नाड़ सांस वाली के ऊपर रखा और थोड़ा दबाया है। मेरी कलमा जारी थी, मैं अल्लाह की आशिकी में था, मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था कि मेरे साथ क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं, मेरे को इस चीज का कोई खौफ नहीं था। और जिस वक्त उन्होंने इधर से दस्ता हटाकर फिर उन्होंने तार उठाया, तार उठाकर सूखा तार था ऊपर डाला गया है। जब डाला गया तो अली सैन भी मेरे साथ था उस वक्त। जिस वक्त उन्होंने आग लगाई है, तीली लगाई है उस तार को, तो अली सैन मेरे से उठ गया है और मेरी कलमा जारी रही है और मैं अल्लाह की आशिकी में लेटा हुआ हूँ, मेरे दिल में कोई खौफ नहीं आया है। और सिर्फ सिर्फ ये कुर्बानी मैं हजूर पाक की उम्मत को और अल्लाह के जो आशिक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आशिक बनते होता ऐसे बनो, आशिक बनते होता ऐसे बनो। मुसलमानों को पता चले कि रब्बी आशिक हैं, हजूर पाक ने आशिक हैं। ये किसी ने इतनी उम्र हो गई है, मेरे को मैंने ये काम नहीं देखा है, ये अरबा नहीं देखा है किस तरह कुछ झूठ और चोरियां लोग छोड़े हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं के ये जब उन्होंने किसी ने कुर्बानी नहीं दी है, तो मैं मेरे को ये मोहब्बत इश्क ऊपर से आया है कि ये आखिरी अरबा तुम इस्तेमाल करो, फिर ये लोग क्या करेंगे, फिर मेरे पास ही आएंगे। फिर ये अल्लाह के हुक्म से उधर से मेरी जहन में आई है, ये आवाज़ मैंने निकाली है और इसमें मैंने कुर्बानी दी है। जो गवाह दो हैं
वो कहते हैं हम हर जगह में शहादत देंगे कि इस बावे की कुर्बानी कबूल हो गई है और इसके दिल में कोई खौफ नहीं आया है।